हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू किसू किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेयोनीज सैंडविच की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने ना तो चीज़ का यूज़ किया है, ना ही बटर का और ना ही ऑयल का, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बना है। यदि मॉर्निंग में आपके पास टाइम कम हो और आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मेयोनीज सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा बोल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप किया हुआ कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड ऑनियन, थोड़ा सा ग्रेटेड कैरेट, बॉयल किया हुआ कॉर्न, थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड टोमेटो, ग्रीन चिल्ली, थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, नमक, नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पेपर्स पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज, यह वेज मेयोनीज है, मेयोनीज वेज और नॉन वेज दोनों आता है, आपकी च्वाइस, आप जो ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो अपनी मनपसंद के और भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहें तो इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यह अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। यहाँ हमने लिया है 4 ब्रेड स्लाइसेस जिसकी एजेज यानी कि किनारों को हमने कट करके निकाल दिया है। आप चाहें तो इस ब्रेड को टोस्ट करके भी सैंडविच में यूज कर सकते हैं। अब हम एक ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा टोमेटो केचप स्प्रेड करेंगे, आप चाहें तो इसकी जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। अब हमने जो फिलिंग बनाया था उसको इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। अब हम इसको दूसरे ब्रेड स्लाइसेस से कवर कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप नॉर्मल सैंडविच बनाते हैं। अब हम एक नाइफ लेंगे और इसे बीच से कट करेंगे, तो हमारा सैंडविच बनकर रेडी है। ऐसे ही करके हम दूसरा सैंडविच भी बना लेंगे, आप चाहें तो बीच से ना भी कट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सैंडविच भी हम सेम प्रोसेस से बनाएंगे। तो दूसरा सैंडविच भी हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं इसको हमने कट नहीं किया है, आपकी मर्जी, आप कट करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, तो आप इसे ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके बाय, मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।